जम्मू एंड कश्मीर एमएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी पड़ेगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो लेट्स चेक कि आपको कहाँ से क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको मैं आपको बताता हूँ, अपने ब्राउज़र में टाइप करके सर्च करनी होती है, एंड आपको सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो चुकी है। उस तरह से तो जम्मू एंड कश्मीर एमएससी नर्सिंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ किया गया, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू किया गया, इसका कंडक्टिंग जो बॉडी है, मतलब जिस तरह से आपको क्या करनी है, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करनी पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यही है। इसी के थ्रू आपको एलिजिबिलिटी देखनी होती है, फिर आपको क्या करनी है, आपको हर साल जिन बच्चों को अप्लाई करनी होती है वो प्रोसेस को देखने पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर जो होते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हाईलाइट्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट वगैरह सब देखना पड़ेगा, फुल फॉर्म क्या है, टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं। इस सिंपल सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, और एग्ज़ाम के डेट देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट किया गया था, देख सकते हैं 9 अगस्त में किया गया था, और फाइनल जो फिलिंग का लास्ट डेट है ना 26 अगस्त लास्ट डेट है आपका। जल्दी से जल्दी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पर दिया गया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैब में ऊपर जाएंगे, जिसके वजह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किए तो अब तक क्या कर रहे हैं भाई, आप डाउनलोड करो तो फटाफट करो, तभी तो होगा फिल। तो डाउनलोड देखो कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन जाएगा, जहाँ पर आपको एक पीडीएफ ओपन होगा। इस पीडीएफ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सारे प्रोसेस के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें आपको फिल करनी है आपके कोर्स, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम, आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जहाँ के आप रहने वाले वो बताने हैं, आपके फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सो क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है। और डिक्लेरेशंस बताने के बाद प्लेस ऑफ डेट वगैरह बता सकते हैं कौन सा, और सिग्नेचर भी यहाँ पर चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चों के लिए। और यहाँ पर कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट बनाना है, मतलब बताने हैं, फिर उस पर टिक करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी होगी। तो ये फ़ोटो भी यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लगेगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली आपको ये डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर देनी है, नहीं तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है उसके बाद वाला प्रोसीजर की प्रिंट आउट निकालनी होती है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर निकाल सकते हैं यहाँ से, नहीं तो कहीं से भी आप करवा सकते हैं। तो आपके करना क्या होता है, पेपर फॉर्म में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेनी है, फिर आपको फिल करके ऑफलाइनली आपको सबमिट करनी है। ये सारे प्रोसेस हैं। तो ये आपको मैंने बताया कहाँ से ओपन होता है, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आ जानी है, IAS पेपर, अब यहाँ पर आनी है, स्क्रॉल डाउन करनी है, फिर ये देख सकते हैं क्लिक हियर का ऑप्शन है, जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, और इसके बाद आपको दिख जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएससी नर्सिंग के लिए, राइट। तो ये ही है आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ये फिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दिया हुआ है, आप चेक जरूर कीजिएगा, ताकि आप इस पेज पर आकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिल करके सबमिट करना। ओके, और उसमें जो प्रोसीजर होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करनी होती है, उससे पहले भी आपको कुछ एलिजिबिलिटी देख लेनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है तो उनको नेशनलिटी देखनी होती है, एज लिमिट देखनी होती है, परसेंटेज कितने चाहिए अप्लाई करने के लिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी पेज पर देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर के बारे में। तो इस पेज पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, इंडियन सिटीजन चाहिए, एज लिमिट कितना चाहिए होता है। तो ये आप डिटेल्स में आके चेक करना है तो आपको यहाँ पर इस पेज पर आना पड़ेगा। इस पेज पर आइए और देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पर है, कौन से डेट को क्या रिलीज़ होने वाली है। ओके, और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके इस पेज पर आइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचिए एंड प्रोसीजर के बारे में जानिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।